गुड मॉर्निंग स्टूडेंट फ्रेंड्स, इस वीडियो में मनु भंडारी से लिखित नाटक जो बिना दीवारों का घर, इसका अध्ययन, इस नाटक का अध्ययन इस वीडियो के साथ हम शुरू करेंगे। तो जैसे कि पिछले वीडियो में इस नाटक के संबंध में समीक्षा या जो सारांश जो बताया गया है उसके अनुसार यह नाटक तीन नारी पात्रों के इर्द गिर्द जो इसकी जो कथा वस्तु जो है घूमती है और उनकी जो पीड़ा होती है या वेदना हो या जिस तरह के समस्याओं का वह सामना करती है उन सभी का उल्लेख इस नाटक में किया जाता है। तो मित्रों, इस नाटक में आने वाले जो मुख्य पात्र या जो पात्रों की सूची इस प्रकार है: अजित सेठ, संपतलाल है, शोभा, शुक्ला, मीना, श्रीमती शुक्ला, जयंत चावला, जीजी, श्रीमती चावला, बंसी चौधरी, नौकर, श्रीमती चौधरी, डॉक्टर। तो इस तरह के अजित है, शोभा, मीना, जयंत, जीजी, बंसी, नौकर, डॉक्टर, सेठ संपतलाल, शुक्ला, श्रीमती शुक्ला, चावला, श्रीमती चावला, चौधरी, श्रीमती चौधरी। तो इस प्रकार के पात्र इस नाटक में हैं। तो आगे देखेंगे तो नाटक की शुरुआत जो उसका पहला दृश्य इस प्रकार है। पर्दा उठता है अजित का ड्राइंग रूम, अस्त व्यस्त सा। सवेरे के 8 बजे हैं। भीतर से तानपुरे पर आलाप लेता हुआ नारी स्वर सुनाई देता है। अजित को गुनगुनाता हुआ प्रवेश करता है। चेहरे पर हजामत का साबुन लगा है, साथ में खाली रेजर। इधर उधर कुछ ढूंढता है, फिर खिजला ऐसे स्वर में मुस्कुराता है, माने एक तरह गुस्से के स्वर में वह मुस्कुराता है। अजित, शोभा, भीतर से गाने का स्वर पूर्ववत आता रहता है। आवाज़ को सप्तम स्वर पर ले जाकर श्रीमती शोभा देवी जी, भीतर गाने का स्वर बंद हो जाता है क्योंकि वह अंदर वह गाती रहते हैं तो यहाँ से जोर से क्या है वह उसे आवाज़ देता है, श्रीमती शोभा देवी जी, शोभा का प्रवेश। रंगमंच पर शोभा का प्रवेश होता है। शोभा, क्या है, क्यों घर सिर पर उठा रखा है, माने क्यों चिल्ला रहे हो? अजित, मैं पूछता हूँ, इस घर में कभी कोई चीज़ ठीक जगह पर भी रहती या नहीं? शोभा, क्या चाहिए आपको? अजित कहता है, 1 घंटा हो गया है, कहीं ब्लेड का पता नहीं है और तुम हो कि वहाँ बैठकर आलाप रही हो। शोभा, ओहो, तब आपकी चीज़ें ठिकाने पर रखने का काम भी मेरा है। दरवाजे से ब्लेड निकाल कर देती है, ड्रायर से ब्लेड निकाल कर देती है, ब्लेड निकाल कर वह उसे अजित को देती है। शोभा, अजित, अरे मेरी चीज़ तुम्हारी चीज़ क्या होता है? सारी चीज़ें घर की हैं और घर की हर चीज़ ठिकाने पर है या नहीं यह देखना औरत का काम है। बोलो, है या नहीं, बोलो बोलो बोलो। मतलब उसका कहना क्या है, सारी चीज़ घर की चीज़ें, तो सारी घर की जो भी चीज़ें होती हैं उसको ठीक तरह से संभाल कर रखने का काम औरत की है कि नहीं, बोलो बोलो। शोभा, अच्छा मान लिया है, अब ज़रा यह भी बता दीजिए कि घर के आदमी का क्या काम है? घर की हर चीज़ को इधर उधर फेंकते फिरना और फिर दुनिया भर का शोर मचाना क्यों? अजित, हा 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 हा, शोभा समझती तुम सब हो, अरे बीवी अपने बड़ी समझदार है। भीतर से आवाज़ आती है, मम्मी मम्मी, हमारे मोजे कहाँ रखे हैं?
शोभा अजित को देखती है। शोभा, लो अब बिटिया की चीज़ें भी बिटिया के मोजे नहीं मिल रहे हैं। अजित, उसे समझाओ भाई कि अपनी चीज़ संभाल कर रख लो, रखा करें, यह शिक्षा तो तुमको देनी चाहिए उसे कम से कम। शोभा जाते जाते, अच्छा जी, तो आप यह कह रहे हैं लापरवाही से चीज़ें रखने में वो आपकी बिटिया नहीं है, गुरु ही है। तो वह प्रस्थान करती वहाँ से कहकर, मतलब वो जो लापरवाही मैंने केयरलेस है, जो अपनी अपनी चीज़ें जो है रखने में वह आपसे गुरु है, तुम्हारी बिटिया जो है ना वह आपसे गुरु है। अजित जल्दी जल्दी अजामत समाप्त करता है, नहाने के लिए भीतर जाने लगता है। शोभा का प्रवेश। अजित हजामत का सामान उठाते हुए, देखो मैं अपना सामान आप अपने आप साफ करने ले जा रहा हूँ। शोभा, बड़ी मेहरबानी आपकी। अजित, तुम ज़रा कमरा ठीक कर दो, हो सकता है मिस्टर अग्रवाल को मुझे अपने साथ ही लाना पड़े, वैसे मैं फिर लाऊंगा नहीं, फिर भी ऐसा कहकर वह वहाँ से चला जाता है। अजित वहाँ से चला जाता है। शोभा कमरा ठीक करते हुए, चाहती हूँ सवेरे कम से कम घंटा आधा घंटा रियाज के लिए निकाल लूँ, सो भी नहीं हो पाता। रियाज माने प्रैक्टिस, संगीत का प्रैक्टिस जो होता है, सो भी नहीं हो पाता है। यही किसी से भी तो अपना काम नहीं होता, यहाँ किसी से भी तो अपना काम नहीं होता। घर का काम देखो, कॉलेज का काम देखो, ऊपर से नौकर और चला गया है। तो वह शोभा जो है कॉलेज में भी काम करती है, घर का भी काम उसे काम करना चाहिए, और रियाज के लिए, रियाज मैंने संगीत का जो अभ्यास जो होता है, अभ्यास के लिए उसे समय नहीं मिलता। तो वह अपनी समस्या जो बताती है, मतलब कॉलेज का भी काम करना चाहिए और घर का भी काम करना चाहिए, और घर में काम करने वाले अभी नहीं है, नौकर भी नहीं आया है। इस तरह अजित प्रवेश करता है। बिना बटनों के तरफ लटक रहे सामने के बटन भी खुले हैं। अजित, अरे शोभा कमीज़ में बटन भी लगा कर नहीं रखे, देखना ज़रा जल्दी से। तो उसके कमीज़ में बटन नहीं रहता है, तो वो वहाँ से बुलाता है शोभा बटन लगाते हुए। हद है, यानी कि आप अपने बटन भी नहीं लगा सकते। अजित, अब तुम चाहो कुछ भी कह लो, पर इस सब के जिम्मेदार तुम ही हो, समझी। अरे तुम जो भी चाहो, बटन लगाता या नहीं, जो कुछ भी चाहो, इन सब के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। शोभा, हाँ सो तो हूँ ही, दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी खराब काम हो, जिम्मेदार तो शोभा ही होगी। घर का काम ठीक समय पर नहीं होता, मैं जिम्मेदार हूँ। तुम अपना काम नहीं करते, मैं जिम्मेदार हूँ। अपी काम नहीं करती, मैं जिम्मेदार। नौकर चला गया, मैं जिम्मेदार। नया नौकर नहीं मिल रहा है, मैं जिम्मेदार। नल का पानी नहीं चला जाता, मैं जिम्मेदार। तो इस तरह या घर में जो है, जो कुछ भी जिम्मेदारी है, पुरुष लेने के लिए तैयार नहीं होता। सिर्फ सभी जो है जिम्मेदारी स्त्री पर लगा दी जाती है। तो इसीलिए वह कहती है, सबके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। नौकर नहीं आता है, न मैं जिम्मेदार हूँ। नौकर नहीं मिल रहा है, मैं जिम्मेदार हूँ। नौकर छोड़कर चला गया, मैं जिम्मेदार हूँ। सबके लिए स्त्री को जिम्मेदार ठहराना। अजित कह, अरे बस बस बस, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ। जानती हो मैं अपने हॉस्टल में व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था, अपना ही नहीं अपने सब दोस्तों का काम भी किया करता था। हॉस्टल में सभी में मैनेजमेंट करता था, सभी का मैं काम करता था। इस तरह हॉस्टल में काम करने, मतलब वो जो उसका मैनेजमेंट देखने वाला था मैं। और ये जो जयंत साहब है ना, जिनका उदाहरण तुम बात बात में देती हो, इनको कायदे से रहना मैंने ही सिखाया है। तुम बात बात में जयंत की बातें करती रहती हैं, जयंत वैसा है ऐसा है, तो उसको मैंने काम करना मैंने ही सिखाया है, उसे काम करना मैंने ही सिखाया है। आज अंग्रेज़ी कंपनी में जाकर ये शेकी
चाहे कितनी भगारे, मैंने अपने आप का जो प्राउड फील करना, मैंने अपने आप को ग्रेट जिसके समझना, सीखी चाहे जितना भी भगारे, मैंने इसको सिखाया है। आज 3 साल पहले तक खातिर होती थी हमारी कि अजीत साहब चौपट तुम्हें बिगाड़ा है और अब तुम्हें नाराज़ होती हो। गाने के स्वर में शोभा जी ने निकम्मा कर दिया है, वरना हम भी आदमी थे काम के। शोभा मुस्कुराते हुए, पता नहीं किस जमाने में तुम काम के थे, तुमसे कोई काम नहीं होने वाला है, तुम काम के लायक नहीं आदमी। इस दृष्टि से वह कहते हैं कि पता नहीं किस ज़माने में तुम काम के लायक थे। मैं तो आई हूँ तब से ऐसा ही बेकार देख रही, मैं जब से आई हूँ तब से तुम काम के बिना बेकार तुमको मैं देख रही हूँ। कुछ ठहर कर, यह सच है कि अब मैं तुम्हारी उतनी देखभाल नहीं कर सकती, पहले तुम्हारे और घर के सिवाय और कोई काम नहीं था, सो सारे दिन उसी में लगी रहती थी। अब उतना काम कॉलेज के साथ संभव नहीं होता, पहले मैं घर में रहती थी, तुम्हारा सब काम मैं करके देती थी, अभी जो है मैं घर में नहीं हूँ, मुझे कॉलेज भी जाना है, कॉलेज का भी काम करना है, इसीलिए उतना मैं कर नहीं पाती। अजीत, तुम्हें क्या करूँ, मुझसे भी यह सब काम नहीं होता। शोभा, ज़रा सा ध्यान देने की बात है, बस काम नहीं होता ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ज़रा सा ध्यान देने की बात है। जब मैं पढ़ती थी तब तो तुम काफ़ी काम किया करते थे, आपी को भी संभाल लिया करते थे, कितना साथ बंटाते थे मेरा, आखिर अभी ही क्या हो गया है। जब मैं पढ़ती थी तब सारा काम तुम करती थी, हमने तुम करते थे, मगर अभी तुम्हें क्या हो गया है, आखिर तुम्हें अभी क्या हो गया है। तब अजीत बोलता है, तब की बात ही और थी। आधा आगे ने विषय पर, मैं तो चाहता हूँ वे दिन फिर लौटाए, आजकल आदि जान तो या कमबख्त ऑफिस ही निकाल देता है, तनख्वाह अच्छी भले ही देते हो पर तेल भी तो पूरा निकाल लेते हैं, तनख्वाह मैंने सैलरी, अच्छी सैलरी देते हैं मगर उतना तेल निकालना मैंने बहुत काम कराते हैं। नौकरी तो किसी अंग्रेजी कंपनी में मिले तब है मजा, साला जयंत ऐश करता है, अच्छा अभी तो चला। शोभा कमरा ठीक करके भीतर जाती है, वो जो अजीत कमरा जो है उसे ठीक करके वहाँ से भीतर जाती है, पर दूसरी क्षण घंटी बजती है तो आकर दरवाज़ा खोलती है, मीना का प्रवेश होता है। शोभा अपार आश्चर्य से, अरे मीना, सुना तो था कि तुम कलकत्ता आई हो, पर बस देख रहे थे कि हमें याद करती हो या नहीं। मीना, देखो मैंने तो फिर भी याद कर लिया ना, तुम लोग तो शायद कभी भूल कर भी याद नहीं करते, क्यों। शोभा, नहीं, ऐसी बात नहीं है मीना, कितनी बार तुम्हारी चर्चा चलती पर अब तुम्हारा कोई निश्चित पता हो तब तो तुम्हारे साथ संपर्क भी रखा जाए, मैंने तुम्हारा निश्चित समय क्या है पता नहीं था तो इसीलिए संपर्क नहीं कर पाया, याद तो वे भी अक्सर करते हैं तुम्हें, अर्थवरी निगाह से देखती है मीना, पहले की तरह जयंत अब भी यहाँ आते हैं, कैसे वह। शोभा, हाँ आते ही हैं, आज तो उनके अभी आने की बात है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना काफ़ी है, अगले और एक वीडियो के साथ इसका जो नाटक जो है उसका अध्ययन आगे जारी रखेंगे। धन्यवाद।